सवाल है सबसे कि वालदेन से ये सवाल बनता है कि देखो मैं नशा छोड़ने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ, तो अब आप लाइन हाजिर हो जाएं, जरा बिल्कुल लाइन में खड़े हो जाएं। और गाड़ी ते आंधी आंधी रह गई है, ऑडी ऑडी गाड़ी ते पुट्ठी हो गई है ना, ऐसा वादा था ना कोई बात। उस दिन बनेगी जिस दिन आप उन्हें कहें कि सर ये गाड़ी शाड़ी बोल जाए, मैं मुझे अपनी पड़ गई है, मैं अपनी जान बचा रहा हूँ, आप गाड़ी शाड़ी बोल जाए। देखिए वालदेन और फैमिली मेंबर्स मिन्नतें कर रहे होते हैं कि किसी तरह पुत्र तू कुछ कोशिश कर ते नशा छोड़ दे, साड़ी जिंदगी बन जाएगी, ये कह रहे होते हैं वो कि हमारी जिंदगी बन जाएगी किसी तरह तुम नशा छोड़ दो। हाँ हमें खुशी होगी, वालदेन को अच्छा लगेगा, वालदेन को इत्मीनान होगा, वालदेन के लिए आसानियाँ होंगी, लेकिन जिंदगी उसकी बनेगी। और मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि मरीज नशा छोड़ देता है और उसकी जिंदगी बन जाती है, लेकिन वालदेन का गम नहीं जानता, उनकी जिंदगी नहीं बनती, क्योंकि उन्हें इतनी आदत हो चुकी होती है उस परेशानी की जिसमें वो पिछले 5-7 साल में रहे होते हैं, कि वो परेशानी उनके जिगर जान का हिस्सा बन चुकी होती है। और वालदेन का ये जो तरला होता है ना, तरला, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है, बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है। वालदेन का हमें कहना कि सिगरेट लेना बंद करो, सिगरेट है दे छोड़ो, थोड़ी मेहरबानी, इंज ना करो, हौली हौली बंद कर देना, वैसे ना भी करो तो खैर है। तो मुझे बताएं कि अगर कोई वालदेन ये हमें कहे तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई मुझे वालदेन कहे कि जी मुंडे की कल सालगिरह है, तेरी सालगिरह मनानी है, तो मैं कहूँ नहीं, इलाज पे नज़र रखें, हम इधर अपनी सालगिरह नहीं मनाने देते किसी को, हम बिल्कुल ये ऐसी सरगर्मियों में से फर्ग रहते हैं जो कि इलाज से तोज्जो हटाएं। अभी हमारे दो डॉक्टर्स जिन्होंने CSS इम्तिहान पास किया, तो वो केक लेके फिर रहे थे मेरे पीछे कि केक काटेंगे, केक काटेंगे, तो मैंने कहा यार मैं वेला नहीं, वो 2-3 घंटे मेरे मगर फिरते रहे, कभी इधरों दी आ जान 3-4 जे रल के, कभी इधरों दी आ जान 3-4 रल के, केक कट रहे। तो मैंने कहा कि गुंजाइश निश्ता, कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक। और वालदेन मुझे कहते हैं जी वो कल सालगिरह बच्चे दी, तो ऐसी केक ले आके कट लिए, ये कर लिए, मैं कह ना तो जो हटाएं इस चीज़, कहते चलो असी नहीं करते, तुसी केक मंगा दियो, तो अपने वालों तुसी केक मंगा के कटा दियो। तो मैं कहता अच्छा चलो ये आपकी मान लेते हैं, ये सही किया कि गलत किया।